सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स गेम। सो गाइज, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि यार इस वीडियो में किस बारे में बात होने वाली। तो फाइनली यार हम लोग ने अपने फुल मैप टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका नाम यार इस बार हम लोग ने वीकली टूर्नामेंट सीजन 4 ना रख के यार इसका नाम रखा है UDF सीजन 1, जो कि है यार अंडरडॉग्स फेम सीजन 1। और इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइस पूल यार 4000 रुपीज का होने वाला है। और इस टूर्नामेंट में आपको रजिस्टर करने के लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे और ये एक तो फ्री टू एंटर टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 114 टीम्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्लॉट होने वाले हैं, जिसमें से 6 टीम से आपकी कंफर्म लिस्ट में होंगी और जबकि आपकी 16 टीमें होंगी अब बची हुई वो वेटिंग लिस्ट में होने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको वेटिंग लिस्ट की टीमों के बारे में कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि तो आपका कोई डाउट ना रह जाए इसके बारे में। वेटिंग लिस्ट की टीमों के साथ होगा ये कि यार जो 96 टीमें होंगी यार उनको 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, 12-12 के 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनमें हर ग्रुप में यार दो दो वेटिंग लिस्ट की टीमें डाल दी जाएंगी। यार तो 8 ग्रुप में यार 16 टीमें चली जाएंगी, तो उस हिसाब से आपके 14-14 का ग्रुप बन जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट की टीमों को एंट्री इस तरह मिलेगी, यार इनकेस अगर कंफर्म टीमों में से यार मैचेस के टाइमिंग, नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस के टाइमिंग अगर कोई टीम नहीं आती है तो उनको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा और वो वेटिंग लिस्ट की टीमें यार मैचेस खेल सकेंगे और उस टूर्नामेंट में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी उनको अगर नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस में कोई टीम नहीं आती कंफर्म टीम्स में। सो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर सुन लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको मेरा डिस्कॉर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन एरिया में पड़ा है, जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप डिस्कॉर्ड पर पहुंचोगे और डिस्कॉर्ड का मैं आपको दिखाता हूं सीन। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्कॉर्ड डाउनलोड करोगे, मेरा इनवाइट एक्सेप्ट करोगे लिंक के थ्रू, तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे वेलकम पेज पे। तो यहाँ पे आपका वेलकम वगैरह कर लिया जाएगा बॉट के थ्रू। उसके बाद आपको डायरेक्ट नीचे आना है UDF टूर्नामेंट के सेक्शन में, जहाँ पे हाउ टू रजिस्टर में आपको मेरे वीडियो का लिंक दोबारा मिल जाएगा। अगर इनकेस आपको स्टेप भूल जाते हो तो स्टेप्स का जरूर ध्यान देना, अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक दोबारा मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नीचे आपको सेक्शन आता है स्क्रीनशॉट का, जहाँ पे एक्चुअल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको 4 स्क्रीनशॉट भेजने होंगे, 2 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, 2 सोनू इस लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके स्क्वाड मेट्स को बोलना होगा कि भाई हम लोग को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजो। टोटल 4 स्क्रीनशॉट भेजने होंगे, वो भी सब अलग अलग फोन से। अगर अलग अलग फोन से नहीं हुए तो यार आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। वेरीफाई जब हो जाओगे, जैसे यार मैंने भेजा है, देखो यहाँ पे एक सोनूस लाइव का भेजा है और एक लेट्स गेमिंग का भेजा है, तो बट आपको यहाँ पे टोटल 4 भेजने होंगे अलग अलग फ़ोन से सब्सक्राइब करके। उसके बाद अगर आपको जब आपके स्क्रीनशॉट वेरीफाई हो जाएंगे तो एक रोल मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे ये सेक्शन आपको दिखने लगेगा, ये UDF रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आपको उसके बाद दिखने लग जाएगा। जैसे आपको दिखने लगेगा तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे फर्स्ट में आपका टीम नेम होगा, फिर उसके बाद आपका प्लेयर वन का नेम, जो आपका लीडर हो या कुछ भी हो। आपको 2 सब्स्टिट्यूट अलाउ होंगे, तो आप 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और प्लेयर 2 उसका करेक्टर आईडी, डिस्कॉर्ड टैग। अब डिस्कॉर्ड टैग यहाँ पे ब्लू करने के लिए सबसे बड़ी बात, आपके 4 मेंबर को डिस्कॉर्ड पे होना होगा, तभी आप डिस्कॉर्ड टैग ब्लू होगा आपका। तो डिस्कॉर्ड टैग ब्लू कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं एट अ डेट और आपका बंदा, जैसे मान लो आपके प्लेयर का नाम है अंश, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट आपका नाम आ जाएगा। आप कुछ लेटर टाइप करो, जैसे मैं किसी को सर्च करना हो, एरो निंजा को सर्च करना हो, तो यहाँ पे मैं कुछ लेटर टाइप करूंगा और उसका नेम ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाएगा। जो सजेशन में है उसी को जैसे ही क्लिक करोगे और फिर सेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपके 4 मेंबर को डिस्कॉर्ड पे होना जरूरी है, 4 मेंबर को तो होना जरूरी है। अगर आपके 6 मेंबर नहीं भी होते तो कोच चलेगा, बट 4 मेंबर तो एटलीस्ट होने चाहिए, तभी आपका टैग ब्लू होगा और आप रजिस्ट्रेशन के लिए कंफर्म होंगे। अगर आपको फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने का कि कैसा हम लोग को फॉर्मेट में भेजना है, तो आप इस फॉर्मेट के इसके जस्ट नीचे UDF का फॉर्मेट है, इसका अंडरडॉग फेम का फॉर्मेट है, आप इसी को कॉपी करके दोबारा इसमें फिल करके डिटेल्स भर के भेज सकते हो। तो यहाँ पे आप दोबारा चाहो तो भेज सकते हो इसको बिल्कुल कॉपी करके। तो ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आप लोगों को दे दिया है, बस मैं आप अपनी कॉपी करके एक जगह पेस्ट कर लीजिए, उसमें डिटेल्स भरिए और सेंड कर दीजिए दोबारा इसी जगह पे, जहाँ पे आपका ये सेक्शन है UDF रजिस्ट्रेशन का। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद अगर आपकी टीम कन्फर्म हो जाती है तो आपको नीचे कन्फर्म टीम्स में आपका सेक्शन में आपके टीम लीडर का नेम मिल जाएगा, टीम लीडर को टैग कर दिया जाएगा और आपकी टीम का नेम दिख जाएगा। तो 2 चीज़ें आपको दिख जाएंगी, आपके टीम लीडर जो होंगे उनको टैग कर दिया जाएगा और आपकी टीम का नाम लिख दिया जाएगा। सो ये तो हो गया यार गाइस आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, कि आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपको कंफर्म कैसे करना है अपनी आप टीम को या अपने आपको। तो उसके लिए तो हो गया पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। उसके बाद आती है आपकी कुछ और चीज़ों की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि आपको चीज़ें जान लेनी चाहिए। अब यहाँ पे UDF रूल्स दिए हैं, ये रूल्स आप पढ़ लेना कि क्या क्या रूल्स दिए हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग खेलना होगा। और एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के स्टेजेस में यार आपको गन स्किन्स अलाउ होंगी, बट सेमीफाइनल्स से आपकी गन स्किन्स की ऑफ करा दी जाएंगे। अगर कोई गन स्किन यूज करती टीम पाई जाएगी तो उस समय आपको पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना कि सेमीफाइनल से गन स्किन ऑफ रहेंगी, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहना।
उसके बाद टाइमिंग्स आपकी यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी कि यार किस दिन आपका कौन सा मैच है, किस दिन कौन से ग्रुप का मैच है, तो यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह अपडेट कर दी जाएंगे UDF के टाइमिंग सेक्शन में। अपडेट्स आपका अगर कोई चेंजमेंट होता है या लाइव स्ट्रीम या मैचेस पोस्टपोन होते हैं तो वो सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा UDF के अपडेट्स में। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस वजह से यहाँ पे और चीज़ें लोड नहीं हो पा रही हैं, बट अगर कोई दिक्कत या कोई चीज़ें होंगी अपडेट होंगी तो यहाँ पे आपको UDF के अपडेट्स में ही मिलने वाली हैं। जैसा कि यार आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पहले टूर्नामेंट्स की चीज़ें चल रही थी तो वो यहाँ पे आपको UDF के सारे अपडेट मिलेंगे। अगर कोई पोस्टपोनमेंट होता है या किसी और चैनल पे लाइव होती है तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद आपको रोड मैप जो है यार जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे उसके एक दिन बाद आपको रोड मैप खुल जाएगा या रोड मैप आपको बता दिया जाएगा कि कैसा इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट होने वाला है, मतलब कैसे मैचेस आपके होने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें आपको रोड मैप में ही पता चलेंगी जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा। तो रजिस्ट्रेशन में भी यार 4 तारीख को क्लोज होगा और मैचेस आपके 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है यार UDF क्वेरीज का सेक्शन। UDF क्वेरीज में अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, स्क्रीनशॉट वेरीफाई नहीं हुए या थोड़ा टाइम लग रहा किसी चीज़ों में, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मॉड्स को टैग कर सकते हो, एडमिन्स को टैग कर सकते हो या मुझे टैग कर सकते हो, किसी को भी टैग कर सकते हो इन तीनों में से, मॉड्स, एडमिन और मुझको, तो किसी को भी टैग करके यार यहाँ पे पूछ सकते हो और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हो। उसके बाद पॉइंट सिस्टम का सिस्टम है, तो यार पॉइंट सिस्टम आपको ये पॉइंट्स टेबल अपडेट होकर मिलेगी यार। इस पर हम लोग FFIC वाली पॉइंट्स टेबल डालेंगे या ब्रॉडर बैश वाली डालेंगे तो वो थोड़ा सा अपडेट होकर आएगी। तो यार ऑफिशियल टूर्नामेंट की जो पॉइंट्स टेबल होती है इस बार हम लोग उसको ऐड करने वाले हैं। और उसके बाद आता है यार रिजल्ट्स का सेक्शन, जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे यार, जो भी मैचेस आपके होंगे, जिस अगर क्वालिफायर स्टेज हो गई जैसे नॉकआउट स्टेज के मैचेस हो गए तो आपको आपका पता चल जाए कि यहाँ पे आपकी टीम क्वालिफाई हुई, तो रिजल्ट जब आएंगे तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन पे मिलेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप लिस्ट का सेक्शन, जहां पे आपको ग्रुप लिस्ट मिलेगी, तो ये सेक्शन आपको ग्रुप लिस्ट बताएगा कि आप किस ग्रुप में हो, आपकी टीम किस ग्रुप में गई है, तो ये आपको यहां पे पता चलेगा क्या रोस्टर और किस मैच में किस टाइम आपका मैच होने वाला, तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी यहां पे। उसके बाद आता है यार आईडी पासवर्ड के सेक्शन, तो आईडी पासवर्ड के सेक्शन यहां पे जैसे ही देखोगे यार जिस दिन आपका मैच होगा उस दिन आपको ये सेक्शंस दिखेंगे, अदरवाइज ये सेक्शन आपको नहीं दिखेंगे, नॉर्मली आपको नहीं दिखेंगे, जिस दिन आपका मैच होगा उसी दिन आपको ये सेक्शन दिखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई यार बात आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो अब हम लोग बात करते हैं यार प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन यार ऐसे होने वाला है, जो टीम यार फर्स्ट आएगी उसको मिलेंगे 2000 रुपीज, जो टीम सेकंड आएगी उसको मिलेंगे 1200 और इसी तरह जो टीम थर्ड आएगी यार उसको 800 रुपीज मिलने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके यार। तो फर्स्ट रूल ये होने वाला है कि अगर आपकी टीम यार दो या दो से कम प्लेयर को लेके यार रूम में एंट्री करती है तो आपकी टीम को यार किक कर दिया जाएगा, आपको स्क्वाड एंट्री करनी है, दो या दो प्लेयर कम हुए तो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा अगर आपके दो प्लेयर रूम में खेलते हैं, 3 मिनिमम प्लेयर होने ही चाहिए तभी आपकी स्क्वाड की एंट्री मानी जाएगी। तो उसके बाद बात करते हैं आपके सेकंड रूल को लेके, जो कि है गन स्किल्स को लेके यार। तो गन स्किल्स यार आपकी सेमीफाइनल से ऑफ हो जाएंगी, तो आप सेमीफाइनल से या गन स्किल्स नहीं ला सकते। अगर आपकी टीम लाती है, आपका कोई प्लेयर लाता है और किल्स करता है तो आपकी पूरी टीम को पेनल्टी लगने वाली है उतनी किल्स की। और थर्ड रूल ये होने वाला है कि यार आप एमुलेटर प्लेयर्स को नहीं ला सकते, अपने साथ एमुलेटर अलाउड नहीं होने वाला है इस टूर्नामेंट में। तो अब बात कर लेते हैं रोड मैप को लेकर। रोड मैप में जैसा कि मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको पता चलेगा, बट मैं आपको थोड़ी सी हिंट अभी दे सकता हूँ कि यार स्टार्टिंग में कल आपको नॉकआउट स्टेज में केवल एक ही मैच मिलने वाला है, उसके बाद आपको क्वालिफायर स्टेज में यार 2 मैचेस मिलने वाले हैं जिसमें आपकी गन स्किल्स ऑन रहेंगी। और गाइस अगर मैंने आपको रजिस्ट्रेशन डेट नहीं बताई हो तो यार आपको मैं एक बार डेट और बता देता हूँ, 27 तारीख 1 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और यार ये 4 तारीख 8 बजे तक चलने वाला, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आएगा तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, और जो आपके मैचेस होने वाले वो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतने। अगर इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो यार मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इससे बेहतर यार आप मेरे डिस्कॉर्ड पे आकर किसी को भी टैग कर सकते हो, मुझको टैग कर सकते हो, मॉड्स को टैग कर सकते हो, एडमिन को टैग कर सकते हो, तो वो आपकी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर करेंगे। और बाकी यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस टूर्नामेंट को खेलना चाहते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यार काफी जरूरी होने वाला है, तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में मेरा game.tv का गिल्ड भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर डेली सोलो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें से यार आप top 3 आने पे आपको वीकली मेंबरशिप मिलती है, तो उसके लिए भी आप मेरा game.tv का गिल्ड ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।